हे गाइस, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि पूरा 3 मई तक लॉकडाउन है और अभी CHSL का पेपर चल रहा था और CHSL का पेपर चल चलते पोस्टपोन्ड हो गया है। पता नहीं, मेंस शायद 2019 का जो मेंस होना है वो भी टल जाए, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं SSC की बात करता हूँ तो अभी हमारे पास जिनका SSC CHSL 2019 का पेपर अच्छा हुआ है और जिनका अच्छा नहीं हुआ है, तो दोनों के लिए एक न्यूज़ है। वो क्या है? अगर CHSL 2019 का पेपर जिसका अच्छा हुआ है, जिसको लगता है कि मुझे मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग मेंस के लिए आपको थोड़ा टाइम और मिल गया है, तो आप मेंस के लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़, जिन लोगों को लगता है कि सर मैं SSC CGL 2020 के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट टाइम पढ़ूंगा, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे। और तीसरे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक से या फिर मार्क्स से रह जाते होंगे। तो आज का ये वीडियो तीनों स्टूडेंट्स के लिए, पहला जिनका मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरा 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। मेरे पास हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि सर बुक कौन सी लें। डेली के कम से कम 30 से 40 मैसेज, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम में हो, हमेशा ये पूछते हैं सर मैं बुक कौन सी लूँ। दोस्त, बुकें सारी अच्छी होती हैं। बुक्स जो आपके पास है आप उससे पढ़ेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन खाली बुक पढ़ने से काम नहीं होगा। और क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है पेपर लगाने, ठीक है? आपको क्या लगाने? पेपर्स लगाने। ज़्यादा पुराने पेपर नहीं लगाने, 2016 में, 2017 में, 2018 में, और 2018 और 2019 फ्री, ये पेपर लगाने, ठीक है? और मेंस के लिए भी बात करेंगे, पहले एवरेज बच्चों के लिए बात करता हूँ। आपको देखिए, आपकी रीजनिंग तैयार होगी, सभी की तैयार होती है रीजनिंग, और जीके पे डेली पढ़ना है, ठीक है? जीके पे डेली कमांड करनी है, कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रटना होता है, उसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ अकबर कब मरा था, तो उसमें आपको मैथ्स का रूल नहीं लगाना, इंग्लिश का कोई ग्रामर रूल नहीं लगाना, आपको सिंपल बताना है आता है या नहीं आता। मतलब आता है तो एक, नहीं आता तो जीरो, यही तो होता है ना, मतलब नेगेटिव में मार्क्स आ जाते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप डेली पॉसिबल है तो डेली, वरना इस लॉकडाउन में आप अल्टरनेट डेज में मेंस के सेट लगाओ, यानी एक सेट इंग्लिश का एक दिन, दूसरा सेट हिंदी का, सॉरी मैथ्स का, ठीक है? दूसरा सेट किसका है? मैथ्स का हो जाएगा। आप लोग ये करो, कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले लो, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारी अनअकैडमी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चल रही थी हमारी पहले टेस्ट सीरीज, पुरानी भी है और नई भी आगे आएंगी। दूसरा, जो लोग मेंस के स्टूडेंट हैं, दोस्त मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज तो लगानी है, साथ में आप कॉन्सेप्ट तो आपको सारे पता है। आप क्या करो, अब सीधे सीधे टॉपिक उठाओ और टॉपिक के लेके आप डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना ही है, ठीक है? आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, एक मैथ्स एक इंग्लिश। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको हर दिन टारगेट बनाना है, एक या दो दिन में मुझे एक टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है? टारगेट बनाना है, एक या दो टॉपिक रिवाइज करना है। काफ़ी सारी PDF आपको नेट पे अवेलेबल है, अदरवाइज काफ़ी सारा मटेरियल टेलीग्राम पे, आपको काफ़ी जगह मटेरियल ये मिल जाता है। अदरवाइज कोई सी भी आप मेंस की टेस्ट सीरीज ले लो और उसे लगाना स्टार्ट करो। जो आपके क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं वो क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है? अब मैं अगर बात करता हूँ CGL 2020 की, देखो इस टाइम आप सबको पता है कि प्राइवेट जॉब का क्या हाल है। आगे आने वाले टाइम में रिसेशन ही आएगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत पीछे जा चुकी है। मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, तो अभी जो लॉकडाउन अभी तक का हुआ है उसमें 9,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आगे पता नहीं कितना नुकसान होगा, ये मेरा डेटा नहीं है, ये मैंने ऑफिशियल डेटा जो मैंने न्यूज़ में देखा वो बता रहा हूँ आपको। बाकी गवर्नमेंट जॉब ही अभी सिक्योर है। गवर्नमेंट जॉब वालों का ये है कि हाँ, अगर ऑफिस जा भी रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं तो उनकी जॉब सिक्योर है। प्राइवेट जॉब वालों का रिसेशन। सेकेंड, बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो बिजनेस भी इस टाइम सब बंद है। आपके लिए बेस्ट है कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो और फोकस रखो कि एक साल में जॉब निकालनी है। ये मत सोचो कि मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी खुद की सिस्टर ने 12th पास करा है और मैंने उसको 2 साल के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दिलवाया है, ठीक है? वो मुझसे कहती मामा, मैं भैया मैं यूट्यूब पे पढ़ लूंगी, तो मैंने उससे कहा यूट्यूब पे पढ़ना यूट्यूब पे पढ़ लो, बट मेरे अकॉर्डिंग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है CGL 2020 के लिए। मेरा एक बैच भी चल रहा है यहाँ पे अर्थमेटिक प्री टू मेंस का, सॉरी एडवांस प्री टू मेंस का, और मेरा अर्थमेटिक प्री टू मेंस का बैच भी यहाँ पर मे से आ जाएगा। आप कहोगे सर कि आपका बैच ही मिलेगा यहाँ पर, कम से कम आप जितने भी अच्छे फैकल्टीज को जानते हैं, खाली हालांकि फैकल्टीज सारे अच्छे होते हैं, आप जितने भी फैकल्टीज को जानते हैं उन सबका बैच आ रहा है, ठीक है? उन सारे बैचेस आ रहा है, मैथ्स इंग्लिश GS रीजनिंग कंबाइंड के।
अगर आप कहते हैं सर मैं बरखा अग्रवाल सर से मैम से पढ़ूंगा, अमन सर से पढ़ूंगा, या फिर रानी मैम से पढ़ूंगा, किसी भी मैथ्स के फैकल्टी से पढ़ूंगा, तो सब अनअकैडमी पे अवेलेबल है और उनके सबके सीजीएल 2020 का बैच आ रहा है। और मेरा भी इसमें मई में अर्थमेटिक का बैच आ रहा है और करंट में मेरा प्री टू मेंस का बैच चल रहा है। अब कुछ चीजें हैं कि अनअकैडमी में पढ़ाई कैसे होती है, देख लेते हैं भाई। अनअकैडमी में पढ़ाई ऐसे होती है, पहले तो आपको अनअकैडमी मेरी प्रोफाइल फॉलो करनी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में नमन अग्रवाल डालेंगे तो मेरी प्रोफाइल खुलेगी, प्रोफाइल को फॉलो कर देंगे। यहाँ पे जो भी फ्री लेक्चर्स होंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अनअकैडमी में हम ऐसे पढ़ाते हैं, आप देखिए क्वेश्चन होंगे पीछे और क्या होता है। 50% पुराने क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको कर ये पीछे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे कोई भी फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहा है वो होता है, और यहाँ पे आपके डाउट आपके यहाँ पे कॉमेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे एक डाउट का सेशन होता है, डाउट का एक कॉलम होता है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे या फिर आप व्हाट्सएप पे इमेज सेंड करते हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इमेज सेंड करोगे। जैसे ही आप इमेज सेंड करोगे हमारे पास कुछ ऐसी इमेज आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी इमेज आ जाएगी। अगर हमें लगेगा कि हाँ ये डाउट नहीं हुआ है, अच्छा डाउट है, हमें लगेगा कि हम मैक्सिमम डाउट इसमें लेते ही हैं, तो हम आपके डाउट को सबके सामने लेके आएंगे और आपके डाउट का तभी आंसर देंगे। आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, हम वहाँ पे डाउट ले सकते। थर्ड, आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ लिया, सपोज मैंने आपको करवाया एलजेब्रा करवा दिया, ट्रिग्नोमेट्री करवाई, ज्योमेट्री करवाई, कोई सा एक टॉपिक करवाया इन 5 दिनों में, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे या संडे में क्विज था, ठीक है, आपका एग्जाम है। पहला क्वेश्चन पढ़ा, आंसर टिक करा, सेव है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर टिक करा, सेव है। ऐसे हमारा एक क्विज। अब कभी सर मुझे बेनिफिट्स क्या है? अच्छा, इसमें आप डेली पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकती है। बेनिफिट ये है कि आप अपने फेवरेट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, जो भी आप जिसको अच्छा मानते हैं। सपोज जीएस की मैं बात करूं, आपने रीजनिंग जीएस में आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एक फैकल्टी से पढ़ ली, अब साइंस दूसरे फैकल्टी से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही फैकल्टी से पढ़ सकता हूँ। आपके पास एक टाइप के मतलब मैथ्स की या इंग्लिश की या जीएस की रीजनिंग कई सारे फैकल्टी हैं। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बायलैंगुअल मिलेंगे, पीडीएफ, डेडिकेटेड क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, कंप्लीट गाइडेंस दी जाती है। देखिए गाइडेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप यहाँ से कहीं आप जाओगे ट्रेन का टिकट लेने, वो कहेंगे कहाँ जाना है, सिंपल अगर आपको पता होगा कि मुझे दिल्ली जाना है तो आपको पता है कि दिल्ली जाना है, सेम गाइडेंस। अगर आपके पास आपको नहीं पता कि आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट करना है, आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, एक चीज याद रखना कि सिलेक्शन उसका नहीं होता जो सारे क्वेश्चन करता है, सिलेक्शन उसका होता है जिसे पता होता है कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी, आप किसी भी आपको जिसको भी अच्छा मानते हो उसके अंदर आप गाइडेंस लेते हो। आप क्लासेस फोन से भी देख सकते हो, कंप्यूटर से भी, बट यह याद रखना है कि एक टाइम पे एक ही के मोबाइल में या कंप्यूटर पे लॉग इन होगा, दूसरे के मोबाइल में तब होगा जब पहले के में लॉग आउट हो जाएगा। अब आप कैसे ले सकते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, वेरीफाई करवाएंगे, देन लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हिंदी या इंग्लिश, कोई से भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गए एसएससी एग्जाम में, वाईफाई स्टडी में गए, किसी का भी कोर्स दिख जाए गेट सब्सक्रिप्शन में जाना। लोगों को ये मिथ है कि सर क्या मैथ्स का कोर्स ही देख सकता हूँ नमन 10 लगा के, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे यहाँ पे पूछेगा सब, मैं तो आपसे कहूंगा अगर आप एक साल का लीजिएगा, एक साल का 6,000 रुपए का है, ठीक है, एक साल का 6,000 रुपए का है, आप रेफरल कोड लगाएंगे नमन 10, ठीक है, आप रेफरल कोड लगाएंगे नमन 10 तो वो तुरंत 600 का डिस्काउंट होके 5,400 का पड़ जाएगा। नमन 10 एक ऐसा रेफरल कोड है जो सब में काम करता है, और सारे जो भी अनअकैडमी पे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं या जो अनअकैडमी पे या फिर वाईफाई स्टडी के फैकल्टी या अनअकैडमी के फैकल्टी जो भी कोर्स लॉन्च करेंगे आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमन 10 से आप नमन सर का ही कोर्स देख सकते हैं, सारे कोर्सेज आप इसमें देख सकते हैं। बेस्ट बेनिफिट है, एक कोड लगाओ सारे कोर्सेज देखिएगा, 100 से ज्यादा फैकल्टी है जो पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगर आप लगता है सर मुझे ईएमआई में करना है, तो ईएमआई के लिए क्रेडिट कार्ड यूज होता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड यूज होता है, क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके लिए आपको 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को यहाँ पर नमन मैथ पे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय नमन सर, या फिर फेसबुक नमन मैथ्स पेज है, या मेरा फेसबुक अकाउंट में जाके मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कोई भी प्लस को लेके डाउट हो। तो याद रखिएगा जब भी आपको जुड़ना है नमन 10 के साथ जुड़ना है। और अभी हमने अनअकैडमी ने एक चीज और स्टार्ट करी है 9th, 10th, 11th, 12th का, या इसकी फीस एक महीने की फीस 2,500 रुपए है, लेकिन आप रेफरल कोड लगाओगे नमन 10 तो 2,500 रुपए पे नहीं करना, सिर्फ 99 रुपए पे करना है।
ये जो है वो 9th के लिए, 10th के लिए, 11th और 12th के लिए है, जो लोगों का लॉकडाउन के चक्कर में कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो अनअकैडमी पे जब भी जुड़ना है तो 9-10 के साथ जुड़ना है। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, घरों में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। टिल देन बाय बाय।